नमस्कार, रानी किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हलवा तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, पर आज मैं बना रही हूँ सिंघाड़े का हलवा, जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें घी ऐड करूँगी। घी मैंने डाल दिया है। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे आटा लिया है सिंघाड़े का। अब मेरा घी जब गर्म हो जाएगा तो हम लोग इसमें सिंघाड़े का आटा ऐड करेंगे। तो हमारा घी फ्रेंड गर्म हो गया है, तो हम लोग इसमें सिंघाड़े का आटा ऐड करेंगे और इसको धीमी आंच पर हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे अच्छे से। मैंने इसमें 4 चम्मच घी डाला था, बड़े चम्मच से। देखिए इसका कलर जो है चेंज हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गया है, देख सकते हैं। अगर हमको इसको भूनने में 2 से 3 मिनट का समय लगा है, अच्छे से इसको भूने हैं ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए अच्छे से। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आपको बर्फ़ी जमानी है तो आप जितना सिंघाड़ा का आटा लिए हैं उतना ही इसमें पानी ऐड करेंगे, और अगर आपको तुरंत खाना है तो आप उससे थोड़ा सा अधिक पानी लें, तभी आपका हलवा जो है अच्छा बनेगा। तो चलिए इसमें हम लोग पानी ऐड करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इससे थोड़ा कम मैंने लिया था इसमें आटा, और इसमें भर के मैंने पानी इसमें मैं डाल लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए तो मैंने जितना सिंघाड़ा का आटा लिया था उतना ही मैं इसमें चीनी यूज कर रही हूँ, ताकि जब मीठा रहेगा तभी अच्छा लगेगा। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ता है। देखिए हमारा हलवा जो है बन के तैयार है। आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो आपका भी हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए इसमें थोड़ी सी भी गुठलियाँ नहीं पड़ी है, बहुत सॉफ्ट बना है। तो इस तरह से आप हलवा बनाइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएँ कि आपने हलवा बनाया इस तरह से तो कैसा बना। प्लीज़ आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें। देखिए हलवा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कटा हुआ बादाम इस पे ऊपर से डाल देंगे। तो हमारा जो है हलवा है सिंघाड़े का, वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। और आप लोग भी इस तरह से बना के खाइए हलवा, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।